हेलो फ्रेंड्स, हमारे देश में शायद ही कोई घर ऐसा हो जहां पर किसी ने बाटा कंपनी का नाम ना सुना हो। बाटा भारत की सबसे बड़ी फुटवेयर कंपनियों में से एक है। भारत के 35% से ज्यादा फुटवेयर मार्केट पर बाटा का दबदबा है। बाटा के बारे में एक सबसे दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये भारतीय कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है। दोस्तों, बाटा ने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, कई बार कंपनी बंद होने की कगार पर पहुंची, लेकिन फिर उठकर खड़ी हुई। ये कंपनी भारत के मिडिल क्लास लोगों की पहली पसंद के रूप में उभरी है। आइए आज के वीडियो में आपको बताते हैं कि किस तरह से भारत में बाटा ने सक्सेस हासिल की, कैसे लोगों का बाटा पर इतना भरोसा बना। तो चलिए बाटा कंपनी की सक्सेस के बारे में बात करें। उससे पहले, अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आज डीमैट अकाउंट ओपन करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बाटा कंपनी की शुरुआत साल 1894 में चेकोस्लोवाकिया में हुई थी, जिसे थॉमस बाटा ने अपने भाई एंटोनिन और बहन एना के साथ शुरू किया था। इसका नाम TNA बाटा शू कंपनी रखा गया। इनकी फैमिली में कई पीढ़ियों से जूते बनाने का काम किया जा रहा था, इसलिए तीनों भाई बहन ने मिलकर भी यही बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में 10 कारीगर के साथ काम शुरू किया गया। जब कारोबार चल पड़ा तो उन्होंने कर्ज लेकर इसे और बड़ा बनाने की प्लानिंग बनाई, लेकिन कुछ कारणों से हालात बिगड़ गए और बिजनेस ठप पड़ गया। कर्ज न चुका पाने के कारण हालात और खराब हो गए, कंपनी को दिवालिया घोषित करना पड़ा। थॉमस बाटा ने कंपनी में मजदूरी करना शुरू किया। काम करने के दौरान वहां जूते बनाने के बिजनेस की बारीकियों को समझा और वापस अपने देश लौटकर नए सिरे से काम शुरू किया। शुरुआत में पैसों की कमी होने की वजह से कंपनी कैनवास शूज बनाने लगी, क्योंकि कैनवास शूज सस्ते होने के साथ साथ कंफर्टेबल भी थे। इसलिए जब इनकी डिमांड बढ़ी तो थॉमस अमेरिका से स्टीम से चलने वाली मशीन ले आए और कंपनी में काम तेजी से शुरू हो गया। 10 कारीगर से बढ़कर कंपनी में हजारों कारीगर काम करने लगे। थॉमस बाटा की मेहनत और एक्सपीरियंस के कारण इस बार उनका बिजनेस चल पड़ा और थॉमस ने बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरे देशों में भी स्टोर खोलना शुरू किए। कंपनी को बड़ी सक्सेस तब मिली जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। सभी को नुकसान हुआ, लेकिन कंपनी प्रॉफिट कमा रही थी, क्योंकि बाटा के जूते न केवल सस्ते थे बल्कि कंफर्टेबल भी थे। इसी वजह से उन्हें ऑस्ट्रिया हंगरी से वॉर में काम करने वाले जूते बनाने का ठेका मिला था। भारी सक्सेस को देखते हुए थॉमस ने बिजनेस में और ज्यादा पैसा लगाने और इस काम को बढ़ाने के बारे में सोचा, लेकिन विश्व युद्ध ने सभी देशों की इकोनॉमी को हिला दिया, जिसका असर बाटा कंपनी पर भी पड़ा। इसके चलते कंपनी ने अपने जूते के दामों को आधा कर दिया। दाम आधा करने से कंपनी को नुकसान तो हुआ, लेकिन कंपनी के एम्प्लॉय ने बाटा के मालिकों का बहुत साथ दिया और 40% कम सैलरी पर काम करते रहे। फिर कंपनी ने भी अपने एम्प्लॉय के लिए बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था की जिम्मेदारी ली, साथ ही प्रॉफिट में भी हिस्सा दिया। समय बीता और बाटा जूते की मार्केट में नंबर 1 बन गया। साल 1925 तक बाटा की दुनिया भर में 122 ब्रांच खुल गई। अब बाटा जूते के साथ मोजे और टायर भी बनाने लगी थी। देखते ही देखते एक कंपनी बड़े बाटा ग्रुप में तब्दील हो गई थी। दोस्तों, अब जानते हैं कि बाटा कंपनी ने भारत में कैसे शुरुआत की। भारत में बाटा की कहानी काफी दिलचस्प है। 1920 के दशक में थॉमस बाटा ब्रिटिश भारत दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने देखा बहुत सारे भारतीय नंगे पैर चल रहे थे। साथ ही यहाँ पर रबर, लेदर और मजदूरी तीनों सस्ते हैं। इससे उन्हें आइडिया आया और अपने व्यापार के लिए सही अवसर के रूप में देखा। बाटा ने 1931 में फुटवेयर की एक फैक्ट्री कलकत्ता के कौन नगर में डाली, जिसमें कैनवास शूज, रबर वाले जूते बनाए जाने लगे। लोगों के ये जूते पसंद आने लगे, जिससे डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड बढ़ी तो प्रोडक्शन बढ़ाया गया। इतनी ज्यादा मांग होने के चलते कुछ सालों में ये बाटा नगर नाम से शहर बस गया। साल 1932 में थॉमस की मौत के बाद बाटा को उनके भाई जैन एंटोनिन बाटा ने संभाला और कंपनी लगातार बढ़ती गई। दोस्तों, आज बाटा इंडिया के भारत में 1500 से ज्यादा स्टोर है। बाटा के दुनिया भर में 70 से ज्यादा देशों में 5300 स्टोर है, जिनमें 32,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और 21 प्रोडक्शन फैसिलिटीज है। आज भी बाटा भारत में भरोसे का प्रतीक बनी हुई है। भारतीयों का भरोसा जीतकर ही बाटा भारतीयों की पहली पसंद बनी है।
दोस्तों अगर बाटा कंपनी की शेयर्स की बात करें तो बाटा इंडिया के शेयरों ने निवेशकों को छप्पर फाड़ कमाई कराई है। कंपनी के शेयरों ने पिछले कुछ साल में इन्वेस्टर्स को 7000% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। बाटा इंडिया के शेयरों में जिन निवेशकों ने कुछ साल पहले 1 लाख रुपए लगाए थे, आज वो पैसा बढ़कर 73 लाख रुपए से भी ज्यादा हो गया है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2261 रुपए है। बाटा इंडिया का मार्केट कैप 24,715 करोड़ रुपए के करीब है। बाटा की लिस्टिंग जून 1973 में हुई थी। जून 1973 में इसमें किया गया 30,000 रुपए का निवेश आज करीब 1 करोड़ रुपए हो गए। कंपनी के जून 1973 के 1,000 शेयर स्प्लिट और बोनस के चलते 2015 तक 7,000 शेयर हो गए होते। कंपनी ने 3 बार राइट्स इशू भी दिया है। इस शेयर ने 50 साल में 350 गुना से ज्यादा रिटर्न दिया है। तो दोस्तों लास्ट में आप सभी से एक क्वेश्चन है, अगर आपने कभी बाटा के जूते चप्पल पहने हैं तो अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।